व्हाट्सअप एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा मोस्ट पावरफुल ड्रिंक फॉर वेट गेन। इसे आप अपनी डेली लाइफ रूटीन में शामिल करें या आपका वेट गेन करने के साथ में आपको हैंडसम बनाने में, आपको हेल्दी रखने में भी बहुत मदद करेगी। आपने देखा होगा अगर जिम में 100 लोग जा रहे हैं तो उसमें से 5 या 10% लोग ही बॉडी बना पाते हैं, बाकी 90 और 95% लोग बॉडी बना ही नहीं पाते। उसका सबसे बड़ा कारण है डाइट और न्यूट्रिशन, क्योंकि हम जिम में जाते हैं तो हमारे फाइबर टिश्यू जो है वो टूट जाते हैं, तो उनको रिकवरी करने के लिए हमारी डाइट और न्यूट्रिशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वेट गेन कर रहे हैं तो हमें अलग तरह की डाइट लेनी पड़ती है, अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो हमें अलग तरह की डाइट लेनी पड़ती है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसा शेक जो आपकी बॉडी को बहुत जल्दी गेन कर देगा और आपके मसल बहुत अच्छे से गेन होने लगेंगे। तो आइए देखते हैं हम पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक वेट गेन के लिए किस तरह से बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं फैशन, ग्रूमिंग, फिटनेस एंड मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले चाहिए हमें 250 ml मिल्क, उसके बाद बनाना। बनाना ना ज़्यादा कच्चे होने चाहिए ना ज़्यादा पके हुए होने चाहिए। उसके बाद चाहिए हनी और हमें चाहिए ओट्स, बिल्कुल प्लेन ओट्स होने चाहिए। और हमें चाहिए पीनट बटर, उसके अलावा हमें चाहिए वे प्रोटीन। वे प्रोटीन के अलावा हम और कुछ भी ले सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार। अब सबसे पहले हम लेंगे 250 ml मिल्क, उसके बाद हम लेंगे बनाना। हम एक या दो बनाना यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे हनी। हनी नेचुरल हो तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी कोई भी कंपनी का हनी हम ले सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे पीनट बटर। पीनट बटर कोई भी कंपनी का हो सकता है, वैसे पिंटोला कंपनी का ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हम लेंगे ओट्स। ओट्स बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, कोई भी फ्लेवर नहीं होना चाहिए ओट्स में। इसके बाद हम लेंगे वे प्रोटीन। वे प्रोटीन कोई भी कंपनी का हो सकता है, कोशिश करें कि इम्पोर्टेंट हो। और अगर आपके कोई सवाल हो वे प्रोटीन के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपके पास वे प्रोटीन नहीं है तो आप इसके अंदर बोन बीटा की 2 स्पून भी डाल सकते हैं, जिससे आपके शेक का टेस्ट चॉकलेटी टेस्ट हो जाएगा। अब हम जार को क्लोज कर देंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड करें। आप हमेशा याद रखें, जब भी आप वर्कआउट करें, वर्कआउट कंप्लीट करते ही आपको आधे घंटे के अंदर अंदर आपको ये शेक पी लेना है, जिससे आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर होगी, आपके फाइबर टिश्यूज वापस रिकवर होंगे और नेक्स्ट डे के लिए आपकी बॉडी वापस से रेडी हो जाएगी। तो कोशिश करें आपको आधे घंटे के अंदर अंदर ही ये शेक पी लेना है। और उसके अलावा आप कोई भी रनिंग करते हो या कोई भी स्पोर्ट्स गेम खेलते हो, उसके बाद भी आप ये शेक पी सकते हो। इसे आप अपनी डेली लाइफ रूटीन में शामिल करें, आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी हो जाएगी, आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका वेट गेन होने लगेगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल के ऊपर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके फॉलो कीजिएगा, वहां भी मैं नए नए अपडेट्स डालता रहता हूं। और आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज देखता रहता हूं, वहां भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।